हे गाइस, इट्स क्रिस्लीन। वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना तारिक जमील के एक लेटेस्ट इमोशनल बयान। एंड डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक। ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, डू फॉलो अस। लेट्स गो। तो म्यूजिक इतना इमोशनल लग रहा है। मैं ये वाक्या हजारों दफा सुना चुका, हर दफा ही ऐसे रोने बैठ जाता कि फिर मैं वहाँ नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहाँ अब वहाँ पहुँच जाता। तो मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी। 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व कद वलदत तुहरा। बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जना है जो सारे आलम को पाक कर देगा। और शमा खामोश हो गई। किस तरह उन्हें दफन किया, मैं वहाँ खड़ा यही सोचता रहा कि यहाँ कब्र बनाई कैसे होगी। तो पत्थर हैं, कोई लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के। जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ हैं, उनको लेकर नीचे उतरी, ऊँटने के करीब पहुँची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि शायद उस वक्त अर्श भी रो रहा होगा। अल्लाह के नबी ने माँ की कब्र को चिमटाया और सीने कब्र पैसे गिरे। और जब वो मेहमान करीब आई तो वो नौहा कह रहे थे कि पत्थर भी बिगड़ रहे थे कि माँ जी आपको तो पता था, आपके सिवा मेरा कोई नहीं था, आप मुझे छोड़ के क्यों चले, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले। मेहमान ने उठाना चाहा, इनकार कर देगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं माँ को छोड़ के जाता। खींच के ले गई, खिसटता हुआ बच्चा पहाड़ से उतारा। 2 दिन रोते रोते मक्के का सफर है, फिर खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया, सिवाय जमजम के चंद घूंट पानी के। सारा दिन न खाते थे न पीते थे, अकेले बैठे रहते, न माँ न बा न भाई न बहन। सतावन साल के बाद माँ की कब्र पर पहुंचे और कब्र के सरहाने आकर बैठे, गोडे ऊपर उठाए और हाथ यहां रखे और सर को छोटे बच्चे रोने की पोजीशन बनाते हैं। ये छोटी जगह मैं दिखा नहीं सकता। और फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि सारी दाढ़ी सारा सीना आंसू से भर गया, जैसे कोई मासूम बच्चा, जैसे 6 साल का मोहम्मद रो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना रोए कि वजूद हिल गया। और फिर फरमाया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रात यहीं रहूंगा। तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते, सिर्फ पौंड गिनने आते हैं। तुमसे मुराद मैं भी और सारे भी नाराज ना हो जाओ, सारी उम्मत का यही हाल। रात वहां गुजारी, हाय क्या कह रहे हैं, काश मेरी मां कभी होती, मैं ऐसी खिदमत करता कि ब्रेडफोर्ड वाले भी याद करते, मैं ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मसल्ले पर खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और फिर इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बई कम्मा जी, माँ जी हाजिर। मछली खाना छोटा गुनाह है, शराब बेचना बड़ा गुनाह है, सूद खाना बड़ा गुनाह है, ड्रग बेचना बड़ा गुनाह है, चोरी डाके जुल्म सितम
क्या उम्मत नहीं कर रही, बेगुनाह कत्ल, झूठे इल्जाम, तुहमतें, क्या हशर कर दिया जुनैद जमशेद का। ये इस्लाम, इतने नेक इंसान, 17 साल से अल्लाह का नाम लेने वाला, उस पर गुस्साख की तोहमतें, ये उम्मत क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह उसके रसूल को कि जिसने मुनाफिकों को सीने से लगा लिया, अब्दुल्ला बिन उबई जैसों के जनाजे पढ़ दिए, कहाँ चले, कहाँ डूब के, इतना सवाल, इतनी अंधेरी रात है कि उम्मीद ही खत्म हो गई कि पता नहीं दिन भी चढ़ेगा कि दीन के नाम लेने वाले जब दीन को ज़बह करने पे आ जाएं, मिंबर पे बैठने वाले जब नफरतों की आग भड़काने लगे, किससे गलती नहीं होती, एक पाक अंबिया की ज़ात है जिनकी ज़बान पे अल्लाह बोल दबा की तारिक जमीला, रोजाना मुझे 40 साल हो गए बयान करते हुए, मैं खता नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा, मुझसे पूछो तो सही, मैं गलती से कह गए, जान बूझ के कह गए, हो सकता मैंने गलती से कह दिया, अल्लाह ने तौबा रखी है, कुफर की तौबा। मेरे मैं दर्द से बोल रहा हूं, सवाल है, सवाल खौफनाक सवाल है, जब मिंबर पे बैठने वाले दीन से इतने दूर चले गए, तुलैहा ने नबूवत का दावा किया और लड़ाई की सहाबा से, उकाशा बिन मोहसिन जैसे बदरी सहाबी को शहीद किया, इतने बड़े मकाम के सहाबी को शहीद किया, और हज़रत उमर के जमाने में तौबा करने आया, आपने गले लगा लिया, तौबा तो सब कुफर के नबूवत के दावे। मेरा अल्लाह कहता, मैं तो हर बयान में कह रहा हूं कि धरती गुनाहों से भर के एक दफा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह कहता जाओ सब माफ किया। ये मैं जवाल बताओ, आज उम्मत कितनी पस्ती में चली गई है, किस कदर फिरकावारियत ने एक अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली है, एक दूसरे को सलाम करने से के, काफिर 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 कुत्ते खंजीर, मेरा नबी ऐसे बोलता था। मैं इंसान हूं, बोल रहा हूं, बोलते बोलते कोई गलत जुमला बोल सकता, गुस्साखी का जानबूझ के करने वाला यकीनन दारा इस्लाम से खार, अमल छोड़ने से आदमी काफिर नहीं होता, गुस्ताखी करने से, नमाज छोड़ने से काफिर नहीं होता, गुनाहगार है, नमाज का कि गुस्ताखी करने से वो दारा इस्लाम से निकलता है, लेकिन उसके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन ये कितना तासुब है, नफरत है कि एक आदमी की 17 साल की पाक जिंदगी को एक गलती पर कुफर बना दिया। एक गिरावट है, सवाल है, हमें बंदर खंजीर बनाने के लिए फिरकावारियत ही काफ़ी थी, उस कमली वाले को दुआएं दो जिसने हसन हुसैन को सबा बने दिया, तुम्हारे लिए मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, पूछ के हो। और वहां से जवाब आता है, साथ दूंगा। बड़ी इमोशनल वीडियो थी, एंड कैसे पूरा वाक्य सुनाए, मैं आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू से। आई जस्ट फील कि एक मदर की इम्पोर्टेंस के बारे में ये स्टोरी है, कैसे यू नो आर क्रिएटर, आर गॉड, ही एक्सेप्ट अस, एंड कैसे हमारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं, ये उसके बारे में स्टोरी है, एंड कैसे यू नो वी आर ऑल हेडेड इन अ सर्टन डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नो कमिंग बैक, उसके बारे में ये बयान है। बहुत अच्छा मुझे लगा ये बयान, आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड, एंड उनकी आवाज़ में इतनी एक सूद, आई थिंक वो सूद करती है हमें, बहुत अच्छा बयान था। एंड मैं अभी जो माहौल बन गया ना उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। सो गाइस, दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, आई लव यू गाइस।